प्रथम तहलका न्यूज। नमस्कार दोस्तों, खबरों में आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रथम तहलका न्यूज और मैं हूं पूनम दुबे। तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज देश और प्रदेश की प्रमुख और बड़ी खबरों पर। भीषण गर्मी के बीच में बादलों के बरसने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए ये खबर बड़ी राहत दे सकती है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के द्वारा जल्द ही मानसून के दस्तक देने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की अगर माने तो अगले 6 से 7 दिनों में मानसून जल्द ही दस्तक दे सकता है। खास तौर पर दिल्ली और NCR के लोगों के लिए तो ये खबर सौगात की तरह है। बता दें कि मौसम विभाग के द्वारा यहाँ के लिए येलो अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। हालांकि हरियाणा और पंजाब को अभी मानसून का इंतजार करना पड़ेगा। बात राजधानी दिल्ली की करेंगे। बता दें कि राजधानी दिल्ली में धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। आज यानी रविवार के दिन दिल्ली में अनलॉक 7 की प्रक्रिया सरकार के द्वारा जारी कर दी गई है, जिसके तहत स्कूलों को खोलने की मंजूरी दिल्ली में मिल गई है। बड़ी बात तो यह है कि दिल्ली सरकार के द्वारा ट्रेनिंग सेशन को लेकर भी अनुमति दे दी गई है, जिसके तहत दिल्ली पुलिस, आर्मी या किसी भी विशेष तरह के संस्थान या स्किल ट्रेनिंग के लिए यहां पर मंजूरी दे दी गई है। खबरों में आगे रुख करेंगे उत्तर प्रदेश की ओर, जहां राजधानी लखनऊ में आज के दिन अलकायदा के 2 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं। बता दें कि ये दोनों ही आतंकवादी लखनऊ के एक गांव काकोरी से पकड़े गए हैं और इन दोनों ही आतंकियों से विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि ये आतंकी काकोरी के एक गांव में मकान में छुपे हुए थे और ATS को इनके छुपने की सूचना गुप्त रूप से बरामद हुई थी, जिसके बाद ATS ने छापेमारी की और छापेमारी के दौरान दोनों ही आतंकियों को धर पकड़ लिया गया। इन आतंकियों के पास से ATS ने 2 विस्फोटक बरामद किए हैं, जिनमें की प्रमुख तौर पर कुकर विस्फोट और टाइम बॉम्ब भी इन आतंकवादियों से बरामद किया गया है। बात झज्जर की करेंगे, जहां पर आज के दिन भाजपा की एक अहम मीटिंग होनी थी। बता दें कि इस अहम मीटिंग में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने पहुंचना था, लेकिन इन दोनों ही नेताओं के पहुंचने से पहले किसान मौके पर पहुंच गए और काले झंडे लेकर इन नेताओं के लिए विरोध प्रदर्शन करने लगे। बता दें कि झज्जर में सचिवालय के बाहर किसानों के द्वारा ये पूरा प्रदर्शन देखने को मिला और बड़ी बात तो ये रही कि किसानों के प्रदर्शन के चलते OP धनखड़ तो कार्यक्रम में पहुंच ही नहीं पाए। बता दें कि किसान आंदोलन के चलते इन दिनों हरियाणा में भाजपा नेताओं के द्वारा कार्यक्रम किया जाना मुहाल हो रखा है और किसान हर जगह झंडे लेकर इनका विरोध जताने पहुंच जाते हैं। अगली बड़ी खबर हमारी मनाली और शिमला से है। बता दें कि मनाली और शिमला में जिस तेजी से पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी थी, तो वहीं उतनी ही तेजी से अब यहां पर्यटकों की संख्या घटती हुई दिखाई दे रही है। बड़ी बात तो यह है कि केंद्र सरकार के द्वारा कोरोना को लेकर जो अलर्ट जारी किया गया था वो काम कर गया है। बता दें कि मनाली में जहां पर्यटकों की संख्या में 60%, तो वहीं शिमला में 10% तक पर्यटकों की संख्या में गिरावट देखी गई है, जो कि राहत के लिए एक बड़ी खबर भी हो सकती है। बता दें कि जैसे जैसे केंद्र सरकार की तरफ से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई थी, पर्यटकों के द्वारा तेजी से पहाड़ों की तरफ रुख करना शुरू कर दिया गया था। हमारी आज की आखिरी और बड़ी खबर दक्षिण भारत से है। आपको बता दें कि पुडुचेरी में एक बार फिर से स्कूलों को खोलने की तैयारी होने लगी है। बता दें कि मुख्यमंत्री N. रंगास्वामी के द्वारा इस बात का बड़ा ऐलान किया गया है। आगामी 16 जुलाई से कक्षा 9वीं से लेकर 10वीं तक के स्कूल प्रदेश में खुलने जा रहे हैं। बता दें कि कोरोना के चलते पूरे देश भर में स्कूलों को बंद कर दिया गया था, तो वहीं अब एक बार फिर से धीरे धीरे स्कूलों को खोलने की तैयारी की जाने लगी है। बता दें कि इससे पहले गुजरात, आंध्र प्रदेश, बिहार और हरियाणा भी स्कूलों को खोलने को लेकर बड़ा ऐलान कर चुका है, तो वहीं अब आज के दिन दिल्ली की सरकार ने भी स्कूलों को खोलने की अनुमति दे दी है। तो ये थी हमारी आज की प्रमुख और बड़ी खबरें। दोस्तों, आपको हमारी आज की कवरेज कैसी लगी कमेंट कर बताना हमें ना भूलें। और ऐसी ही कुछ बड़ी और प्रमुख खबरों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।